आज सहकारी सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित भारत सरकार के माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री सुरेश जी, हमारे विभिन्न सहकारी संस्थाओं के मुखिया, नैफेड के चेयरमैन आदरणीय बागजी भाई पटेल साहब, एनसीयूआई के वाइस चेयरमैन आदरणीय अमीन साहब, हमारे दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और एनसीयूआई के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, हमारे आईसीए के रीजनल डायरेक्टर आदरणीय बालू अय्यर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय बुजुर्ग, हमारे मित्रों, बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज सहकारी सप्ताह जो हमने लगातार 65 वर्षों से इस कार्यक्रम को हम मनाते चले आ रहे हैं, आज 65वें सहकारी सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के माननीय मंत्री जी, जो यहाँ हम लोगों को उन्होंने बहुमूल्य समय दिया है, मैं देश के सहकारी आंदोलन की ओर से, विभिन्न संस्थाओं की ओर से हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से सहकारी आंदोलन के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपना समय दिया, हमें मार्गदर्शन करेंगे। आपकी सहकारी आंदोलन के प्रति जो रुचि है या जो प्यार है, वो इसी से दर्शाता है कि आपने सारे कार्य छोड़ करके, हमें पता है कि आपको जाना था, लेकिन आपने अपने कार्यक्रमों को निरस्त करके और इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। मैं हृदय से सब लोगों की ओर से आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सब इस बात को भी जानते हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से, 4 वर्षों से माननीय मंत्री जी हम लोगों के संरक्षक हैं, कृषि कल्याण मंत्रालय संभाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कृषि का जो असली स्वरूप है, गांव का जो असली स्वरूप है, अगर किसी भी व्यक्ति ने नज़दीकी से देखा है तो माननीय मंत्री जी ने देखा है, और उनके एक्सपीरियंस से निश्चित रूप से जहां कृषि देश में कृषि को बढ़ावा मिला है, वहीं सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम सब